उसके बाद उसके निगाहें मकान पर टिक गई। अरविंद रुपया भेजेगा इस बात की तो उम्मीद ही खत्म हो गई थी। उम्र सारी उम्र खेतों में मजदूरों से काम लेने वाला हरिशंकर अपनी पत्नी रामरती के साथ दूसरों के खेतों में मजदूरी करने लगा था। शर्म तो बहुत आती थी मगर मरता क्या नहीं करता, भीख मांगने से तो मेहनत करके खाना अच्छा होता है। ये भी एक कटु सत्य है, जमाने को जीतने का हौसला रखने वाले अक्सर अपनी संतान से हार जाते हैं। जब बुरे दिन शुरू होते हैं तो मुसीबतें चारों तरफ से आती है। खेत छीनने के बाद सगनलाल साहूकार का लालच और बढ़ गया। एक दिन उसने आके चेतावनी दे दी, एक महीने के अंदर बकाया रुपया भी लौटा दो नहीं तो मकान पर कब्जा करके दोनों को घर से बाहर निकाल दूंगा। हरिशंकर अच्छी तरह जानता था अगर छगनलाल ने ऐसा कहा है तो वो अवश्य करेगा। हरिशंकर की तरफ से कोई बोलने वाला नहीं बचा था। इसी चिंता यही चिंता उसे घेरे रहती। रामरती को भरोसा था कि विलास इस संकट से उन्हें उबार सकता है। रामरती के कहने पर हरिशंकर और रामरती दोनों विलास के घर होशंगाबाद आए। मगर क्या वर्षा जब रसी सुखानी। बहु बेटे का व्यवहार देखकर हरिशंकर को ऐसा लगा विलास के घर आके उसने बहुत बड़ी भूल की है। वर्षों बाद माता पिता के घर आने पर उसे जरा भी खुशी नहीं थी, बस औपचारिकता भर निभा रहा था। बहू उससे भी दो कदम आगे थी, उसे तो यह डर था कहीं दोनों यहीं ना टिक जाए, इसलिए वो अच्छा व्यवहार भी नहीं कर पा रही थी। अरविंद की माँ बहुत हो चुका, अब हमें गाँव चलना चाहिए। बहू बेटे के दफ्तर जाते ही हरिशंकर ने रामरती से कहा, हम इस काम से आए हैं, एक बार उस बारे में विलास से बात तो कर लेते, जो हमारे भाग्य में लिखा होगा वह होगा। इस बारे में विलास से कुछ बोलना व्यर्थ है। हरिशंकर को परिस्थितियों ने बहुत तोड़ दिया था मगर वह झुकना नहीं चाहता था। कल विलास ये नहीं बोले कि इतनी बड़ी बात हो गई और मुझे किसी ने बताया भी नहीं, एक बार उससे बात कर लो। रामरती की बात में सच्चाई थी, इतनी लंबी यात्रा करके आए तो बात कर लेना उचित था। शाम को विलास और बहू जब दफ्तर से लौटे तो हरिशंकर ने अपने मन की बात उन्हें बता दी। अब मेरी समझ में आया इतने साल बाद ये पुत्र मोह क्यों जा रहा है। मुझे उस गांव के मकान में कोई दिलचस्पी नहीं है, इस मामले में मुझे तो माफी करना। विलास ने हाथ जोड़ ली। बुरा मत मानना बाबूजी, जिस बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए आपने इतना कर्जा लिया अमेरिका जाकर उसी के दरवाजे पे क्यों नहीं बैठते। बहू ने रुकेपन से कहा, चलो रामरती हम अभी गांव जा रहे हैं। हरिशंकर रुककर खड़ा हो गया। रामरती झोला लेकर आ गई। हरिशंकर ने सोचा बहू बेटे रुकेंगे, शाम पड़े तो कोई मेहमान को भी विदा नहीं करता, ये तो उसके माता पिता थे। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। रात भर दोनों स्टेशन पर पड़े रहे, सुबह नर्मदा स्नान करके गाड़ी पकड़ी। हरिशंकर के मन में अब जिंदगी के प्रति कोई मोह शेष नहीं बचा था। गांव पहुंचने पर क्या होगा, बस इसी बात की चिंता थी। अरविंद की माँ, मुझे लगता है अब हमारे हरिद्वार जाने के दिन आ गए हैं। हरिशंकर की बात सुनकर रामरती मानो नींद से जागी, आश्चर्य से उसका मुंह देखने लगी। अरे बावरी देख क्या रही है, हरिद्वार तो हरि का द्वार है, हमें मुक्ति वहीं मिलेगी। हम जैसे कितने लोग वहां पढ़ रहे हैं, मर जाने पर कोई भी गंगा जी में फेंक देगा। कहते हुए हरिशंकर के आंसू निकल आए थे। रो मत जी, अगर तुम टूट गए तो मेरा क्या होगा, हरिद्वार जाने के लिए रुपया लाएंगे कहां से। मानो जीवन के प्रति रामरती का मोह भी भंग हो चुका था। घर में जितना सामान है सब बेच देंगे, गांव वाले पूछेंगे सामान क्यों बेच रहे हो, उन्हें क्या जवाब दोगे। रामरती कुछ सोचकर बोली, कह देंगे कि हम विलास के घर होशंगाबाद जा रहे हैं। गांव आते ही हरिशंकर और रामरती ने गृहस्थी का सब सामान बेचना शुरू कर दिया। 8 दिन में तो पूरा घर खाली हो गया, जिसे जो अच्छा लगता भाव ताव करके लेके चला जाता। उनकी गृहस्थी तिनका करके बिखर गई थी। जीवन में ये दिन भी देखना पड़ेगा, जिस गृहस्थी को इतने जतन से बसाया था यूं बिखर जाएगी, दोनों ने कभी नहीं सोचा था। मगर वक्त जो भी करे सहना पड़ता है। हरिशंकर ने बस अपने और रामरती के लिए कुछ कपड़े ओढ़ने बिछाने और कुछ बर्तन रख लिए थे, इतने जितने वो उठा के ले जा सके। मोहलत पूरी होने के एक दिन पहले दोनों छगनलाल साहूकार के घर गए, हाथ जोड़कर बोले, हम कल गांव छोड़ के चले जाएंगे, हमारे जाने के बाद तुम हमारे मकान पे कब्जा कर लेना। छगनलाल साहूकार के घर को मानो शाम पड़े लक्ष्मी आई थी। उसने तुरंत कुछ कागजों पे उनके अंगूठों के निशान लिए और विदा कर दिया।
शाम हो गई थी। घर आकर दोनों ने रोटी खाई, फिर बिस्तर पर लेट गए। कल के बारे में सोच रहे थे, कल क्या होगा, जीवन क्या है। पानी में बहते जय जीवों की तरह किनारे मिलते और छूटते रहते हैं, उन्हें तो बस बहते रहना है। हरि शंकर ने मोहन साथ दिया, मगर रामरती की रो रो के हालत खराब थी, आंखें सूज गई थी। घर छोड़ने का दुख तो सभी को होता है, और वो भी ऐसा जहाँ वापसी की कोई उम्मीद नहीं थी। मेरी एक बात सुनोगे जी, हिम्मत जुटाकर धीरे से रामरती बोली, अब क्या बाकी रह गया है। ममता से मिलने को बहुत मन कर रहा है, कहते हुए रामरती ने साड़ी के पल्लों से आंसू पोंछ लिए। याद तो मुझे भी बहुत आती है, बेटी होकर भी उसने बेटों से ज्यादा साथ निभाया है, मगर बेटी के दरवाजे जाकर पढ़ना अच्छा नहीं लगेगा, लोग हंसी उड़ाएंगे। हरिशंकर फूट फूट कर रो पड़ा। किसी के आने की हाइट होती है, दरवाजा खुलता है, दोनों चौंक जाते हैं, इतनी रात गए कौन आ गया। चिमनी की मध्यम मध्यम रोशनी में उनकी आंखों से पहचानने की कोशिश करते हैं। सामने ममता अपने पति के साथ खड़ी थी। ममता को देख कर रामरती उससे लिपट कर जोर जोर से रोने लग जाती है। ममता किसी तरह दोनों को समझाती है और फिर बोली, मैं मानती हूँ मैं बेटी हूँ, मैं पराया धन हूँ, मगर तुम लोगों ने मुझे एकदम पराया कर दिया। अरे धान के पौधे को भी एक जगह से हटाकर दूसरी जगह लगाना पड़ता है, बेटी का जीवन भी कुछ ऐसा ही होता है। तुम दोनों इतने खूब अकेले साथे रहे, मुझे एक बार भी याद नहीं किया। बेटा नहीं तो क्या, मैं थी तो आपकी संतान, एक बार याद किया होता। ममता अपने माता पिता पे बहुत गुस्सा थी। काश मैं बेटा होती तो सर पढ़ने जाती, अर्जित दादा मुझे यह कहकर चिढ़ाते थे, मगर आज मेरी समझ में आया भगवान ने मुझे बेटी का जन्म क्यों दिया। अगर वो मुझे बेटा बनाकर पैदा करता तो मेरे बूढ़े माँ बाप का ध्यान कौन रखता। हरिशंकर और रामरती दोनों चुपचाप सुन रहे थे। वो तो भला हो बाजू वाली मथुरा मौसी का, जिसे माँ ने सब सच बता दिया था, उसने अपने बेटे बब्बन को मेरे पास गाँव भेजा और वैसे ही मैं दौड़ती जा रही हूँ। अगर तुम लोग चले जाते तो मैं तो तुम्हारी सूरत देखने के लिए तरस जाती। ममता कितनी देर तक रोती रही, फिर सब मिलकर एक दूसरे को समझाने लगे। सुबह ममता हरिशंकर और रामरती को अपने साथ अपने घर ले गई। ममता गरीब थी, मगर उसे अपनी जिम्मेदारी का पूरा एहसास था। कुछ दिनों बाद हरिशंकर गांव आया अपना घर देखने। छगनलाल साहूकार उसे तोड़वाकर नया बनवा रहा था। चुपचाप समासा घंटों देखता रहा, आंसू बहते रहे। जब देखा नहीं गया तो आंगन में पड़े मिट्टी के ढेर से थोड़ी सी मिट्टी अपने गमछे में बांध सिर को लगाकर सीधा चला गया। ये जीवन क्या है, बहता हुआ पानी ही तो है, किनारे भले छाट साथ छोड़ दे, मगर अंदर चलते रहना है, बहते रहना है, बहते रहना है।